Assalamu alaikum students, this is MS Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. तो आज हमारे पास जो MCQs है वो हमारे पास related है Newton laws of motion, gravitation, work and energy से related. तो पहला MCQs देखते हैं. तो MCQs solve करने से पहले अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो मेरे channel को like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और दोस्तों के साथ share कीजिएगा. तो पहला MCQs हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड 10 सेकंड. क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ऐसी बॉडी की जो हमारे पास जिसके एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर है, तो डिस्टेंस हमने टाइम टी 10 सेकंड के बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो हमारे पास जो इक्वेशन इसमें यूज़ होगी वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब एस हमने फाइंड करना है इन डिस्टेंस आफ्टर टी सेकेंड. तो वी आई हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड है, टी हमारे पास गिवन है 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 100 आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए की वैल्यू हमारे पास 5 गिवन है और टी की जो गिवन है वो हमारे पास 10 है, तो टी का स्क्वायर 100 और मल्टीप्लाई ए 5, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा. तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई 500 ये 250 आ जाएगा प्लस 100. तो हमारे पास जो डिस्टेंस एस आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 350 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि आफ्टर 10 सेकेंड हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हमारे पास 350 मीटर होगा. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सप्लाइज द डिफिनीशन ऑफ. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई भी अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास फोर्स की जो डेफिनेशन है वो उसको हमारे पास बताता है कि हमारे पास जब तक किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं, नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, हमारे पास जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल कंडीशन असल हालत में मौजूद होगी. तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन को सप्लाई करता है. तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम एमसीक्यूज. द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्स इज रेफर्ड इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कि हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे पास किस चीज के बारे में हमारे पास बताता है. तो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन हमारे पास है कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में क्या बताते हैं कि मस्ट एक्ट अपॉन द सेम बॉडी. बी ऑप्शन है मस्ट एक्ट अपॉन द डिफरेंट बॉडी. सी ऑप्शन है हमारे पास मस्ट बी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट नीड नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन. और डी हमारे पास है कि नीड नॉट टू बी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड बट मस्ट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन. तो हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस को हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताता है. कहता है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है वो हमारे पास दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करने चाहिए. तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है कि मस्ट एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ पर्सन कैन थ्रोन बॉल टू अ मैक्सिमम हाइट एच वर्टिकली अप देन द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल इज. अब देखो डिस्टेंस का जो हमारे पास ताल्लुक है वो क्या है कि हमारे पास क्या है कि बॉल फेंक रहा है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मैक्सिमम हाइट टी तक. तो उसके जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास जो टोटल हाइट होगी, टोटल डिस्टेंस होगा वो हम उसको कहेंगे. यानी कि अब हमारे पास जो बॉल अपवर्ड गई है हाइट एट तक और फिर हमारे पास डाउन आई है, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास बॉल इस तरह ये हमारे पास यहाँ तक अपवर्ड थ्रो की है तो ये हमारे पास हाइट एच है, और फिर वो बॉल हमारे पास डाउनवर्ड भी आई है तो वो हमारे पास ये भी एच हाइट है. तो दोनों हमारे पास क्या हो गई, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो इन दोनों का सम होगा, हाइट दोनों का. यानी एक दफ़ा बॉल ऊपर गई है एच हाइट तक और फिर हमारे पास नीचे गई है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा इसका हमारे पास एच प्लस एच ही हमारे पास क्या होगा 2h. तो इसमें जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन होगा बी 2h हमारे पास करेक्ट होगा.
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फाइव एमसीक्यू। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन अप इट विल हैव, कि जब भी हमारे पास पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है। ऑप्शन ए डिफरेंट स्पीड इज द सेम हाइट ड्यूरिंग द एसेंट एंड डिसेंट। फिर हमारे पास ऑप्शन बी है कि सेम स्पीड एट द सेम हाइट ड्यूरिंग एसेंट एंड ड्यूरिंग डिसेंट। और सी हमारे पास है कि सेम स्पीड एट डिफरेंट हाइट ड्यूरिंग एसेंट एंड डिसेंट। कि हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट हो या किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रोन करें तो हमारे पास क्या होता है कि सेम हमारे पास स्पीड होती है सेम हाइट पे उनके अपवर्ड जाने में भी और जब डाउनवर्ड आने में भी। किसी भी पार्टिकल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं सर्टेन हाइट तक जाता है तो जब वो वापस डाउनवर्ड आएगा सर्टेन हाइट के बाद तो हमारे पास जहाँ जहाँ उसकी स्पीड जिस हाइट पर जितनी हाइट होगी उस पे उतनी ही हमारे पास अपवर्ड में भी सेम स्पीड होगी और डाउनवर्ड में भी सेम स्पीड होगी। तो जब भी पार्टिकल हम थ्रोन करते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट है कि सेम स्पीड एट द सेम हाइट ड्यूरिंग एक्सेंट एंड डिसेंट कि हमारे पास अपवर्ड भी जाए या डाउनवर्ड तो सेम हाइट पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो हमारे पास सेम होगी। तो ये हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स, कारपेट कैन बी क्लीन बाय बीटिंग, दिस इज अकॉर्डिंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ और नन ऑफ अबव। अब देखिए जो कारपेट का बीट करना है क्लीन करना है बीटिंग के थ्रू तो वो हमारे पास इस पे हम क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट लॉ भी हमारे पास यही बताता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें नेट फोर्स अप्लाई करें तब वो अपनी असल हालत जो है उसको चेंज करेगी। तो जो कारपेट है उसको जब हम बीट करते हैं तो वो क्लीन होता है यानी उसमें हमारे पास असल हालत में चेंज आ जाती है। तो इस ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 5 केजी फॉर 10 सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्योंकि होता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो ए को हम चेंज इन वेलोसिटी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी डिवाइड बाई टी आ जाएगा। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास ये एफ मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई एम आ जाएगा। तो एफ मल्टीप्लाई टी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 1000 आ जाएगा और डिवाइड बाई 5 तो 5 10 2 जो 10 तो हमारे पास जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एट, विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ स्विमिंग। तो स्विमिंग में हमारे पास हम क्या करते हैं अपने हाथों या पैरों से हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और एज अ रिएक्शन फोर्स हमारे जो वाटर है हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक्शन हम अप्लाई करते हैं रिएक्शन की फोर्स में हमें फॉरवर्ड मूव कराता है वाटर। तो ये हमारे पास क्या है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो स्विमिंग में है वो हमारे पास ये थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट एक्सेलरेशन विल अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूस इन अ मास ऑफ 5 केजी। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फोर्स भी गिवन है और वो हमारे पास क्या गिवन है मैस भी गिवन है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये हमारे पास ए आ गया। तो हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये एम हमारे पास यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा एफ के। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ और एम आ जाएगा। दोनों की वैल्यू 5 है तो 5 डिवाइड बाई 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 10 है, फील्डर कॉट अ बॉल ऑफ 150 ग्राम मूविंग एट रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस वॉज कंप्लीट इन 0.1 सेकेंड द फोर्स ऑफ द blow exerted by ball on the hand was। तो हमने ना फोर्स फाइंड करना है तो हमारे पास देखो वेलोसिटी भी गिवन है मास भी गिवन है टाइम भी गिवन है। तो हम फार्मूला कौन से यूज करेंगे हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए है
और ए की जगह जो हमारे पास है क्या जाएगा, एक्सेलरेशन के डिफिनेशन के मुताबिक चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो एम वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन की जगह वी ओवर टी लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एम गिवन है हमारे पास 150 ग्राम है, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 0.15 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और टाइम हमारे पास 0.1 सेकंड है, डिवाइड बाय 0.1 सेकंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 0.1 सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसमें हमारे पास जो फोर्स नीड होगा वो हमारे पास 30 न्यूटन होगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 11, व्हेन अ बॉडी एक्सलरेट, जब भी बॉडी हमारे पास एक्सलरेट होती है तो हमारे पास क्या करती है, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, इट्स मेस चेंज, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, इट्स फॉल टूवर्ड द अर्थ। तो जब भी बॉडी हमारे पास एक्सलरेट करती है तो मेन चीज जो हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हमारे पास चेंज होनी चाहिए। जब भी हम एक्सेलरेशन को जब डिफाइन करते हैं तो हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी भी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास चेंज इसमें ज़रूरी है। तो ऑप्शन हमारे पास सी, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 12, अ रोप अटैच टू द पोस्ट इन द ग्राउंड इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, द पोल पोल पुल्स बैक विद अ फोर्स ऑफ। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हम पोल जो रोप है वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पोल के साथ हमारे पास अटैच है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स के साथ। तो जो रोप को जितना हम पुल करेंगे, पोल भी हम उस रोप को उतना ही पुल करेगा उतनी ही फोर्स से, तो हम 100 न्यूटन फोर्स से रोप को पुल कर रहे हैं, तो जो पोल है वो भी हमारे पास 100 न्यूटन ही से एज अ रिएक्शन फोर्स हमें पुल करेगा, या रोप को ये नहीं पुल करेगा। तो जो ये एक न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि जितना हमारे पास एक्शन फोर्स है उतना ही हमारे पास रिएक्शन होगा, तो 100 न्यूटन एज एक्शन है तो जो पोल पुल करेगा वो हमारे पास सेम फोर्स के साथ यानी 100 न्यूटन के साथ करेगा। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है 100 न्यूटन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ व्हीकल एज टू गेन मोमेंटम इट मस्ट, किसी भी व्हीकल में अगर मोमेंटम हमारे पास है तो मोमेंटम का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो जब भी हमारे पास किसी भी बॉडी में हमारे पास मोमेंटम गेन करना हो व्हीकल ने, तो उसमें हमारे पास जरूरी है कि इट मस्ट एक्सेलरेट। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास इट मस्ट एक्सेलरेट, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 14 एमसीक्यू, इफ द इनिशियल वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम इलेप्स इज आर नोन, व्हिच इक्वेशन वुड यू यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन। देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, और हमारे पास टाइम भी है, तो हमारे पास तीनों चीजें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस भी है हमारे पास हमें नोन है, टाइम इलेप्स, तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब देखो और कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हमारे पास, देखो इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है, डिस्टेंस नहीं है, और इसमें भी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, या हमारे पास जो वो है डिस्टेंस वो, तो इसमें हमारे पास इसमें फिर एक्सेलरेशन नहीं, हमने एक्सेलरेशन क्योंकि फाइंड करना, तो हमारे पास जो सबसे सुटेबल इक्वेशन है वो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्सेलरेट, द मून एंड इट्स ऑर्बिट, एंड इट्स ऑर्बिट अ टेनिस बॉल रिबाउंड रिबाउंडिंग फ्रॉम ग्राउंड, अ स्टोन इज फ्री फॉल फ्रॉम फॉल, और हमारे पास डी है अ कार इन विच द इंजन थ्रस्ट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, अ कार इन विच द इंजन थ्रस्ट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्सेलरेट, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि अ कार इन विच द इंजन थ्रस्ट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, जिसमें इंजन थ्रस्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन के इक्वल हो, तो हमारे पास इसमें कोई भी एक्सलरेशन कार में प्रोड्यूस नहीं आएगी, बाकी हमारे पास जितनी भी सिचुएशन है इसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट 16 है, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1 m/s एंड आफ्टर 2 seconds द वेलोसिटी चेंजेस टू v2 m/s. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, अब एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे निकालते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल v1 है और टाइम हमारे पास t आ गया, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेलोसिटी की जो एवरेज एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t m/s, यानी वेलोसिटी है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 17, अ कार एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड एट 6 m/s², व्हाट इज इट इज फाइनल स्पीड इफ इट्स इनिशियल वाज 4 m, तो हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी है अगर हमारे पास क्या हो, इनिशियल 4 हो और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो 6 और टाइम हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि वी एफ हमारे पास इक्वल है वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस हमारे पास ए टी, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास इनिशियल भी गिवन है, फाइनल हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 4, हमारे पास प्लस एक्सेलरेशन गिवन है 6 और मल्टीप्लाई टाइम गिवन है 10, तो ये 60 प्लस 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64, तो हमारे पास जो हमारे पास फाइनल स्पीड होगी वो हमारे पास 64 होगी, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है 64 m/s, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 18, अ कार इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 40 mph, टर्न साउथ एंड मेंटेन द सेम स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वेलोसिटी ऑफ द कार, देखो अगर हमारे पास कार है वो सेम स्पीड हमारे पास 40 mph ईस्ट की तरफ जा रहा है और अपने सेम स्पीड को मेंटेन कर रहा है साउथ की तरफ भी, तो हमारे पास जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो कोई नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सेम स्पीड आ रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है नन, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, अ फोर्स ऑफ 6 N एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ड्यूरिंग विच द बॉडी मेंटेन्स attains a velocity of 30 m/s. The time for which the force acts on a body is, तो हमने force find time find करना है, तो हमारे पास formula क्या होता है, F equals to ma होता है और हमारे पास m जो acceleration है उसकी हमारे पास definition क्या है, change in velocity per time, तो उसकी जगह हम v और t put कर लेंगे, तो हमने find क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो हमारे पास टी आ जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय एम वी डिवाइडेड बाय एफ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब एम की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 30, तो 1 मल्टीप्लाई 30 तो हमारे पास 30 और डिवाइड बाय 6 5 हमारे पास 30, तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 5 सेकेंड, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें वो करेक्ट ऑप्शन बनता है 5 सेकेंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर वर्क टू बी डन, तो वर्क डन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, डिफिनेशन के मुताबिक वर्क डन हमारे पास क्या है, वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हमारे पास देखो अप्लाइड फोर्स भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स कंपोनेंट एंड अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कंपलसरी है वर्क के लिए, जो नेसेसरी नहीं वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड, वर्क डन के लिए स्पीड का कांस्टेंट होना नेसेसरी नहीं है, तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास, अ कांस्टेंट स्पीड इज नॉट नेसेसरी फॉर वर्क टू बी डन, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 21 है, अ बॉडी एट रेस्ट में है स्पीड मोमेंटम एनर्जी और वेलोसिटी, तो रेस्ट की बात हो रही है, तो हमारे पास जो स्पीड है मोमेंटम है या वेलोसिटी है, तो इसका हमारे पास जो ताल्लुक है वो हमारे पास मोशन से रिलेटेड है, तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसमें हमारे पास क्या है, एनर्जी इसमें हो सकती है, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें हमारे पास ऑप्शन सी एनर्जी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 22, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 10 kg ब्लॉक, अब हमारे पास ब्लॉक 10 kg है, तो हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg,
तो इस फॉर्मूले के तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हमारे पास 9.8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 98। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ऑप्शन सी 98 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है 23। अ फिक्स्ड पुली इज एम्प्लॉयड टू सेम वर्क चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डू मोर वर्क एट द सेम फोर्स बट विदाउट यूजिंग पुलिंग हैव द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन। तो हमारे पास जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास जो फिक्स्ड पुली एम्प्लॉयड की जाती है वो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज द सुटेबल मेथड टू डिक्रीज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास सुटेबल मेथड कौन सा, लुब्रिकेशन है, पॉलिशिंग है, बाल एंड रोलिंग बियरिंग्स और ऑल ऑफ अबव। तो इसमें हमारे पास ये तीनों जो मेथड है ये यूज होता है फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए, लुब्रिकेशन भी है, पॉलिशिंग भी है और बाल एंड रोलिंग बियर्स भी यूज होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हमारे पास है 25। द स्टैटिक फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डायनामिक फ्रैक्शन, लेस देन डायनामिक, ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रैक्शन। ये हमारे पास ऑप्शन डी है कि हमारे पास लेस समटाइम्स ग्रेटर और समटाइम लेस देन द डायनामिक फ्रैक्शन। तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रैक्शन है वो हमारे पास समटाइम ग्रेटर और समटाइम लेस देन द डायनामिक फ्रैक्शन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन डी है कि समटाइम लेस और एंड समटाइम ग्रेटर देन द डायनामिक फ्रैक्शन, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 26। द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट कम्स इनटू एक्शन आफ्टर द मोशन हैज स्टार्टेड इज नोन एज स्टैटिक फ्रैक्शन, डायनामिक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ओनली और लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शन जैसी हमारे पास मोशन स्टार्ट हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम फिर क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रैक्शन। सो द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन दैट कम्स इनटू एक्शन आफ्टर द मोशन हैज स्टार्टेड इज कॉल्ड हमारे पास इज नोन एज लिमिटिंग एक्शन। तो ऑप्शन हमारे पास जो डी है इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 27। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी या बॉडी इन इक्विलिब्रियम में नॉट हैव एक्सेलरेशन, तो के बारे पास बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन होना जरूरी नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारे पास सी है एक्सेलरेशन, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉडी इज टर्म्ड एज परफेक्टली इलास्टिक इफ इट कैन रिमूव फ्रीली एट सरफेस परफेक्टली स्मूथ। सी ऑप्शन है इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फोर्स और डी इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। क्या है कि हमारे पास जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको हम कहते हैं कि ऐसी बॉडी जो हमारे पास जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करें डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके बाद हमारे पास जो असल हालत में है असल शेप में वो वापस आ जाए, तो इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की हमारे पास टर्म किया जाता है, डेफिनेशन है। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 29। इफ टू बॉडीज अंडरगो अ कोलिजन दैट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक देन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बट मोमेंटम इज नॉट, मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, नीदर काइनेटिक नॉर मोमेंटम कंजर्व, बोथ काइनेटिक एंड मोमेंटम कंजर्व। तो हमारे पास ऐसी बॉडी जिसमें हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना हो, यानी इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास उसमें मोमेंटम तो कंजर्व हो जाती है इन इलास्टिक कंडीशन में या नॉट परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन में, मोमेंटम तो कंजर्व हो जाती है पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व नहीं होती। तो ऑप्शन जो बी है हमारे पास कि मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक इज नॉट, तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 30। अ नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट नेसेसरली इंप्लाय डिक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग डिस्टेंस। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास उस बॉडी का हमारे पास जो स्पीड है वो भी डिक्रीज करना शुरू कर जाए। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग स्पीड, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 31 कि हमारे पास इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इन सम टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
द ऑब्जेक्ट फॉर दैट इंटरवल विल बी, कि अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है तो सम टाइम इंटरवल में, तो हमारे पास जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस इंटरवल में ऑब्जेक्ट का, तो वो कितना होगा? अब देखो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही वेलोसिटी है एवरेज, और अगर एवरेज वेलोसिटी ही हमारे पास जीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो वो भी हमारे पास जीरो है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 32, अ कार इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड टूवर्ड द ईस्ट ऑन अ फ्री वे, इट्स एक्सेलरेशन इज, देखो अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है वेलोसिटी में, और अगर वेलोसिटी में हमारे पास चेंज नहीं है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनेशन जब हम करते हैं तो वो चेंज इन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 33, द एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फैक्टर एंड नॉट ऑन द पाथ कवर्ड। तो एवरेज वेलोसिटी पाथ कवर्ड पे तो डिपेंड नहीं करती, बट एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पे हमारे पास डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन है कि एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड नॉट ऑन द पाथ कवर्ड, तो जो ऑप्शन ए है इसमें वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट 34 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ का मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो टू डी मोशन है, ठीक है, तो वो हमारे पास अपवर्ड भी है और हमारे पास साथ साथ हमारे पास डाउनवर्ड फॉरवर्ड भी जा रहा होता है प्रोजेक्टाइल, और हमारे पास डाउनवर्ड भी। तो ये जो हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास क्या होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट है, पैराबोला। नेक्स्ट है हमारे पास द हॉरिजॉन्टल रेंज और ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल एंगल इज, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल से हम थ्रो करें या प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास जो रेंज है और प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए 45 है, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसमें वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ अ नॉन जीरो नेट फोर्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ईदर रिमेन एट रेस्ट और मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन द स्ट्रेट लाइन, दिस स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स कौन सी ला का है हमारे पास, कि अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमारे पास रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ है स्ट्रेट लाइन पे तो कांस्टेंट स्पीड। तो ये हमारे पास न्यूटन का कौन सा ला है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास, दिस इज न्यूटन्स कौन से लॉ के हमारे पास स्टेटमेंट है? तो ये डेफिनेटली हमारे पास क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के। तो हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है फिजिकल टू एम ए का, ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दिस इज न्यूटन। तो हमारे पास ये क्या स्टेटमेंट है कि डी पी लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव ओवर डी टी, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है? एफ के। तो ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्म है कि एफ इक्वल्स टू डी पी लीनियर हमारे पास डी पी और डी टी के, हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी होता है डी पी और डी टी। ये हमारे पास न्यूटन जो है सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए का हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है 40, विच लॉ ऑफ मोशन समटाइम्स रेफर्ड टू एज द एक्शन रिएक्शन लॉ। तो एक्शन रिएक्शन लॉ जो हमारे पास करता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 41 है, द थ्री लॉज ऑफ मोशन वर फर्स्ट पब्लिश इन 1687 बाय सर आइजैक न्यूटन एंड हिज वर्क। तो हमारे पास कौन से जो वर्क में उसके हमने तीन लॉज उसने फर्स्ट पहली दफ़ा 1687 में पब्लिश किए थे, तो हमारे पास है फिलोसफी, नेचुरलस, प्रिंसिपा, मैथमेटिका। तो जो ऑप्शन सी है इसमें थ्री लॉज ऑफ मोशन को उसने फर्स्ट 1687 में अपने फिलोसफी या नेचुरलस, प्रिंसिपिया, मैथमेटिका में पब्लिश किया था। तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 42 है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ मोशन फोर्सेज इन नेचर अकर इन पेयर्स, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। तो कौन से लॉ के थ्रू जो हमारे पास फोर्सेज हैं नेचर में वो हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। इन्हें अगर एक्शन फोर्स है तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स उसका डेफिनेटली होगा। तो हमारे पास एक्शन का रिएक्शन फोर्स है तो ये पेयर्स की फॉर्म में है हमारे पास नेचर में फोर्स। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, थर्ड लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है 43, न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल्स इन सर्टेन केसेस। पहला हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रिंग्स या बोथ ए एंड बी। तो जो न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन का जो लॉ है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्टेन केसेस में फेल हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है कि बोथ ए एंड बी, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्टेन केसेस में न्यूटन का थर्ड लॉ जो है फेल हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 44, एफ टू डिफरेंट मैसेज हैव सेम मोमेंटम देन द लाइटर वन हैज मोर। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट मैसेज है उनका मोमेंटम सेम है तो हमारे पास जो लाइटर वन है उसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या मोर वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी मोर होगी और वेलोसिटी भी मोर होगी। पी इज इक्वल टू एम वी के। मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास मैस और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो ऑप्शन ए जो ए है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 45, टू बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज। अब देखो 1 kg और 4 kg है और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनकी सेम है और ये हमारे पास क्या है, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटा। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है और ये हमारे पास सेम है दोनों की। तो दूसरी चीज़ हमारे पास बच जाती है, अब पी इज इक्वल टू एम बी है। तो यहाँ से हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास 1:2, 1:4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास 1:2 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो रेशियो लीनियर मोमेंटम की बनेगी वो 1:2, यानी ऑप्शन जो बी है, डी है हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो हमारे पास इसमें एक ही चीज़ बचती है हमारे पास, मेस, स्पीड या लेंथ। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास बॉडी की अपनी होती है, वेट हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये हमारे पास बॉडी की जो अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमारे पास क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी में वेट आ जाता है तो डबल इज इक्वल टू एम जी से। तो हमारे पास जो वेट है ये इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 47, फिगर बिलो शो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी गोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एज द फंक्शन ऑफ टाइम, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो इन द रीजन। अब देखो अगर हम रीजन में देखें तो हमारे पास ए टू बी है, बी टू सी है, सी टू डी है और डी टू ई। अब इसमें जो हमारे पास ए की रीजन बनती है जिसमें हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे वो हमारे पास जीरो होगी, वो हमारे पास जब स्पीड हमारे पास कॉन्स्टेंट है यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में है, ए टू बी जो है हमारे पास इसमें जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमारे पास जीरो होगी क्योंकि हमारे पास तभी ये हमारे पास कांस्टेंट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास यहाँ फोर्स जो एक्ट करेगी बॉडी पे वो जीरो है। बाकी जितनी भी है बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई हमारे पास इसमें वेरिएबल फोर्स है यानी फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है बॉडी पे जिसकी वजह से हमारे पास चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, ए बी जो हमारे पास रीजन है उसमें हमारे पास फोर्स जो एक्ट करेगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है 48, अ जार कंटेनिंग वाटर इज प्लेस इन अ ट्रेन, द ट्रेन एक्सलरेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द वाटर लेवल इन अ जार करेक्टली। अब देखो लेफ्ट टू राइट हमारे पास है, ट्रेन एक्सलरेट कर रही है, तो हमारे पास कौन सा वाटर जार में होगा, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास देखो अगर लेफ्ट से राइट जा रही तो हमारे पास इसमें तो कोई भी मोशन नहीं है, इसमें भी हमारे पास लेवल कम है, ये और ये दो हैं, तो लेफ्ट से राइट जा रही तो हमारे पास क्या है, राइट की तरह जा रही, तो हमारे पास ये वाली जो सिचुएशन है ऑप्शन सी, ये ही हमारे पास सिर्फ करेक्ट बन रही है कि इसमें हमारे पास जो वाटर जार में होगा वो इस कंडीशन में होगा, तो ये हमारे पास वाटर बैकवर्ड ऊपर की तरह बैक की तरह आ जाएगा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने करते हुए, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ये वाला है सी ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट बन जाएगा लेफ्ट टू राइट के लिए, राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बनता है, लेफ्ट टू राइट है तो हमारे पास ये सी ऑप्शन बनता है, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 49, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड, द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी, लेट एयर फ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या होगा, ए विल गो हायर देन बी, बी विल गो हायर, टू बॉडी विल सेम हाइट, नन ऑफ द अबव। तो देखो हमारे पास मैस ए का जो है वो ग्रेटर है बी से, और जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास कांस्टेंट एयर फ्रैक्शन, और साइमल्टेनियसली थ्रोन किया है, तो जो बी है वो हमारे ए का हमारे पास हायर है मैस, तो ये हमारे पास ग्रेटर है, तो ए विल गो हायर देन बी, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसमें करेक्ट है कि हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास ज्यादा ऊपर जाएगा, हमारे पास हायर जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ए विल गो हायर देन बी। नेक्स्ट है हमारे पास 50, सुपरमैन थ्रोज 2400 न्यूटन बोल्डर एट एन एडवर्सरी, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्टोन सो टू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2940 न्यूटन, तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो देन द बॉडी एक्सेलरेट डिक्सलरेट रिमेन एट रेस्ट नन ऑफ अबव। देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो ऑन द बॉडी, ठीक है, तो अगर बॉडी पे सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस नॉट जीरो है, जीरो नहीं है, तो बॉडी हमारे पास क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 52, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, नन ऑफ अबव। तो जो हमारे पास प्लैनेट है जो मूव करते हैं सन के राउंड, वो हमारे पास किस वजह से होते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन, द प्लैनेट मूव अराउंड द सन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 53, टू बुलेट्स ए एंड बी हैव मैसेज 1 kg एंड 2 kg रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमारे पास ए का हमारे पास क्या है, 1 kg है, बी का हमारे पास क्या है, 2 kg है। अब काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए। अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमारे पास मैस पे डिपेंड कर रही है, फार्मूला हमारे पास होता है हाफ के एम वी स्क्वेयर, एम हमारे पास है, तो जिसका हमारे पास मैस ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में है मैस के साथ, तो मैस भी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, अगर मैस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, तो बी का जो है हमारे पास मैस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विल बी ट्वाइस दैट ऑफ ए, डबल होगी, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन जो है ए, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 54, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हमारे पास किस में कंजर्व्ड होते हैं, इलास्टिक कोलिजन में, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 55, अ कोलिजन इन विच द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इज। तो ऐसी हमारे पास कोलिजन क्या कहलाती है, जिसमें हमारे पास कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक कर जाती है, वो हमारे पास क्या होती है, एन इलास्टिक कोलिजन। तो हमारे पास जो 55 का करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, एन इलास्टिक
कोलिजन, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 56, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कब। तो ऐसे जब वेलोसिटी जो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को उसके एस्केप करने के लिए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन, अ मेन जंप्स ऑन अ कार्ट, अ बुलेट एम्बेडेड इन अ ब्लॉक, सी ऑप्शन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ टू ग्लास बॉल, नन ऑफ अबव। तो हमारे पास जो नॉन जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें से नहीं है चार ऑप्शन में से, वो हमारे पास है ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ टू ग्लास बॉल। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन है सी कलेक्शन ऑफ टू ग्लास बॉल, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 58 है, अ शेल एक्सप्लोड एंड मेनी पीसीज फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, द फॉलोइंग इज कंजर्व, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास अगर शेल डिफरेंट एक्सप्लोड होकर डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास फ्लाई ऑफ करता है, तो उसमें से हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास मोमेंटम जो है इसमें फिर कंजर्व हो जाता है, ठीक है। अब मोमेंटम हमारे पास ऑप्शन ए है, हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 59, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड व्हिच वन इज डबल्ड टू, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी का वो हमारे पास किसके साथ है, पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम के साथ है। अगर हम वेलोसिटी डबल करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो भी डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर है, वी का स्क्वेयर है। और एक्सेलरेशन में हमारे पास वेलोसिटी है, चेंज होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पोजीशन के लिहाज से है। तो जो चीज डबल होगी वो हमारे पास फिर क्या है, मोमेंटम है, कि हमारे पास वेलोसिटी के डबल करने से मोमेंटम भी हमारे पास डबल। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 60, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड मोमेंटम p इज गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हमने फाइंड करनी है ऐसे बॉडी की जिसका हमारे पास मास m गिवन और मोमेंटम p हो। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m करें तो ये हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये 2 और m आ जाएगा। अब देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर में 2 हम ऊपर कॉमन ले लें पावर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी, और हमारे पास मोमेंटम क्या होता है पी इक्वल टू एम वी। तो ये हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, यानी ये हमारे पास पी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 2m। तो ये देखो हमारे पास जो ऑप्शन डी है p square divided by 2m, ये हमारे पास options correct बनती है फिर। तो हमारे पास जो kinetic energy of body इस condition में होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑप्शन डी p square divided by 2m। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द kinetic energy of the body becomes 4 times of its initial value then the new momentum will be हाफ सेम डबल आर फोर टाइम। तो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की हम फोर टाइम कर ले तो इनिशियल वैल्यू की, तो जो न्यू मोमेंटम होगा वो हमारे पास डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है और मल्टीप्लाई फोर कर लें तो हमारे पास 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू पर जो निकलेगी वो हमारे पास डबल की निकलेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है 62, टू बॉडीज ऑफ मेसेज एम ए एंड एम बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। तो अगर हमारे पास टू बॉडीज हैं एम ए और एम बी, मेसेज है इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मोमेंटम की रेशियो क्या बनेगी, तो हमारे पास मोमेंटम की रेशियो बनेगी एम ए अंडर रूट और हमारे पास रेशियो एम बी अंडर रूट। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कि इनकी जब हम उसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हमने सेम करना है तो मोमेंटम के लिहाज से हमारे पास इसकी क्या बनेगी रेशो एम ए अंडर रूट और रेशो एम बी अंडर रूट। तो ऑप्शन हमारे पास जो ए है ये इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज जीरो अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास, एक्सेलरेशन, मूवमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेंटर ऑफ
मास ऑफ अ बॉडी पे हमारे पास जो क्वांटिटी जीरो होती है वो मोमेंट होती है, हमारे पास आर की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, वेयर शुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। इट शुड बी विद इन द बॉडी, इट मे बी नियर बट नॉट एसेंशियली विद इन द बॉडी, इट मस्ट बी आउटसाइड द बॉडी और इट चेंजेस इट्स पोजिशन आफ्टर सम टाइम। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बॉडी बारे में है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट करेक्ट ऑप्शन जो बनते हैं हमारे पास वो है इट मे बी नियर बट नॉट एसेंशियली विद इन द बॉडी। तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी के अंदर हो, नियर नज़दीक भी हो सकता है, नियर भी हो सकता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें ये हमारे पास करेक्ट है कि इट मे नियर बट नॉट एसेंशियली विद इन द बॉडी। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 65, इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट ईदर पोल वुड बी ग्रेटर बी लेस वेरी विद लैटिट्यूड और बी द सेम बिफोर। तो हमारे पास अगर अर्थ रोटेट्स करना स्टॉप कर जाए तो हमारे पास जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ईदर पोल हमारे पास क्या होगा, बी द सेम बिफोर, जिस तरह हमारे पास पहले था उसी तरह हमारा उतना ही वेट हमारे पास होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास 66, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है द कांस्टेंट ग्रेविटेशन, द सेपरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मेसेज, द सम ऑफ देयर मेसेज। तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, द सम ऑफ देयर मेसेज। तो हमारे पास जो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, द सम ऑफ देयर मेसेज, इनके मेसेज के सम पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी करेक्ट है ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 67, द टर्म रेडियस ऑफ गायरेशन रिलेट्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हमारे पास किस टर्म से रिलेट कर रहा है, वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो ऑप्शन जो हमारे पास है बी, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 68, दिस एस्केप वेलोसिटी as independent of mass of the body, increase with the increase of mass of the body, decrease with the decrease of the mass of the body or depend upon the type of body used. तो जो escape velocity है वो हमारे पास किस चीज़ पे depend करती है, depends upon the type of body used. तो इसमें हमारे पास जो option D है ये हमारे पास क्या है, correct option है इसमें, और depends upon the type of body used. नेक्स्ट हमारे पास 69 है, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रिपल द ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाय वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन द सेम और नन ऑफ अबव। अब देखो हमारे पास मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ उसके दरमियान हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम एक फोर्स को ट्रिपल करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी ओरिजिनल के, थ्री टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन ए है ट्रिपल द ओरिजिनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 70, इफ वी हैव अ हॉकी पक स्लाइडिंग अलॉन्ग अ टेबल इट विल इवेंचुअली कम टू अ स्टॉप, विच न्यूटन लॉज लॉ दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट। तो हमारे पास न्यूटन का कौन सा लॉ इसको स्ट्रेट करता है कि हमारे पास इवेंचुअली कम टू रेस्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है कि ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करेगा। तो हमारे पास इस ये हमारे पास फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इलस्ट्रेट कर रहा है एग्जांपल। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 71, विच न्यूटन लॉ स्टेट द नीड टू वेयर सीट बेल्ट्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और नन ऑफ दीज। तो सीट बेल्ट्स क्या है कि अब जब भी हम सीट बेल्ट किस लिए पहनते हैं कि हम किसी भी एक्सीडेंट में जो हम फॉरवर्ड मूव करना है हमारी बॉडी का उसको हम रोक सके, यानी अपनी बॉडी का नशे की वजह से अपने स्टेट को मेंटेन करना। तो ये हमारे पास जो न्यूटन कौन से लॉ को ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास 72 है. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. और हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है. और जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम फिर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं. फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और थर्ड को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास जो लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. ऑप्शन जो बी है हमारे पास करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है 73. व्हिच ऑफ द न्यूटन्स लॉज डज दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट? द बॉडी इन योर हेड रशेस टू योर फीट व्हेन राइडिंग ऑन एन एलिवेटर दैट इज डिसेंडिंग एंड अब्रप्टली स्टॉप्स. तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास कौन से लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है? ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास है 74. द जर्मन एस्ट्रोनॉमर केपलर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट एंड लॉज. तो जो केपलर है उसने अपने जो लॉज है लॉज ऑफ प्लैनेट को तीन लॉज में बनाया था, तीन लॉ में डिस्क्राइब किया था. तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि थ्री लॉज. नेक्स्ट हमारे पास है 75. विच लॉ ऑफ केपलर स्टेट दैट द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई. तो ये हमारे पास जो केपलर का था कि हमारे पास जो सन है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में हमारे पास मूव करता है, और जो सन है वो उसमें कोई दो फोकाई में यानी दो फोकस में से एक फोकस है. तो ये हमारे पास जो केपलर का था फर्स्ट लॉ था. तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये करेक्ट है हमारे पास ला फुकाई, हमारे पास ये ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारे पास 76. व्हिच ऑफ द केपलर्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ हार्मोनिक लॉ? तो हमारे पास जो केपलर का कौन सा लॉ है जिसको हम हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं? तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है कि थर्ड लॉ, जो केपलर का थर्ड लॉ है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाता है? हार्मोनिक लॉ. तो थर्ड हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है 77. अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप इज कॉल्ड. तो ये ऐसे रीजन जो हमारे पास स्पेस में ही जैसे लाइट तक भी एस्केप ना कर जाए, बाहर ना निकले, इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम ब्लैक होल कहते होते हैं. तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है, ब्लैक होल ऑप्शन बी. नेक्स्ट हमारे पास है 78. What is the period of geostationary satellite? तो geostationary satellite का जो period है वो हमारे पास क्या होते हैं? 24 hours, यानी एक दिन और रात होते हैं. 24 hours में अपना वो एक complete cycle जो है around the earth complete करते हैं. तो हमारे पास जो option है वो क्या है? 24 hour. option D हमारे पास क्या है? correct है इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है 79. अ व्हील इज 1 meter इन डायमीटर व्हेन इट टेक्स 30 rpm. द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट एंड इट्स सर्कमफेरेंस इन मीटर पर सेकंड इज. तो इसमें हमारे पास कितना पर वो आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे? तो ऑप्शन जो हमारे पास क्या है? पाई ओवर 2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 90. तो ये हमारे पास इसमें जो ऑप्शन बी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट है, पाई ओवर 2. नेक्स्ट हमारे पास 80 है. द एंगुलर स्पीड ऑफ द हैंड्स सेकंड हैंड्स ऑफ अ वॉच इन रेडियन पर सेकंड इज. तो इसका हमारे पास जो रेडियन पर सेकंड में अगर हम इसका एंगुलर स्पीड निकाले तो वो हमारे पास ऑप्शन डी बनता है, पाई ओवर 30. तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. तो ये थे हमारे पास आज के लेक्चर नंबर 2 था. हमारे पास एमसीक्यू सीरीज का 18 एमसीक्यूज हमने इसमें सॉल्व किए हैं. तो अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. सो आज के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.